हाँ जी लाहौर पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान से नमक आता है उसी हद में लाहौरी नमक कहा जाता है। नमक और मीठा दोनों में अच्छा क्या माना जाता है? मीठा अच्छा समझते हैं। मीठे के बिना व्यंजन क्यों बनाते हैं खाने पीने के? जब मीठा ही मीठा अच्छा है तो नमकीन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? है? कहते हैं इस दुनिया में आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई है। शास्त्रों में भी नमक मिसल सच्चाई है, बाकी सब शास्त्र झूठे। सारी दुनिया झूठी। तो दुनिया में नमक की तादाद सबसे ज्यादा है या मिठास की तादाद सबसे ज्यादा है? मिठास की ज्यादा है। अरे सागर खारा है या मीठा है? और दुनिया में तीन हिस्सा सागर है और एक हिस्सा जमीन है। तो नमक ज्यादा है या सागर ज्यादा है? वो मीठा ज्यादा है, नमक ज्यादा है। नई दुनिया में सागर खारा होगा या मीठा ज्यादा होगा? नदियां भी आज की पुरानी दुनिया में नदियां भी खारी बन गई हैं या मीठा जल देने वाली हैं? खारी बन गई हैं। तो सवाल ये है कि नई दुनिया में मिठास ज्यादा और पुरानी दुनिया में खारापन ज्यादा। तो पुरानी दुनिया में खारा भी दो प्रकार का है। एक सागर में मिलने वाला खारापन, नमक कहां से आता है? ज्यादा सागर से आता है।
सागर से आए हुए नमक को सारी दुनिया यूज करती है, परंतु लाहौरी मन नमक बहुत थोड़ा है। वो जमीन से मिलता है या सागर से मिलता है? है जमीन से मिलता है। जमीन पर लाहौरी नमक का पहाड़ है, उसको पत्थर नमक कहा जाता है। पत्थर को तोड़ तोड़ करके मंगाया जाता है। भारत में खास उस लाहौरी नमक का बहुत महत्व है। पाकिस्तान वालों को महत्व नहीं है। क्या महत्व है? जो लाहौरी नमक है वो व्रत रखने के दिनों में यूज किया जाता है। जब व्रत रखते हैं तो लाहौरी नमक यूज करते हैं। अरबी उबालें चाहे आलू उबालें चाहे फल खाएं, कच्चे फल खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, उसमें लाहौरी नमक को यूज जरूर करेंगे। ये पाकिस्तान तो अभी बना है, सन 47 से पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा लाहौर हिंदुस्तान में था या पाकिस्तान ही कहा जाता था? हिंदुस्तान ही था। तो ये नमक हिंदुस्तान की ही चीज है या पाकिस्तान बना तब से आई है? हिंदुस्तान की ही चीज है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि समंदर का नमक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और लाहौरी नमक खाने से ब्लड प्रेशर उतना नहीं बढ़ता। ज्यादा खाएंगे तो दूसरी बात है। तो उसका नाम रख दिया है लाहौरी नमक। ला और क्या? और ला, इतने से पेट नहीं भर रहा है तो क्या करें? और ला। हिंदुस्तान में एक ही जिला ऐसा है जहां का नमकीन बहुत प्रसिद्ध है, कहते हैं एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। वो फर्रुखाबादी नमकीन है। जैसे बेसिक नॉलेज वाले फर्रुखाबाद से बाहर निकला हुआ एडवांस ज्ञान अगर एक बार भी पूरा सुन लेते हैं तो बार बार सुनने की दिल होती है।
ये फरुखाबादी नमकीन की खासियत है। और ला नाम पड़ गया लाहौर। जिनको खाने की आदत पड़ जाती है उनका दिल बार बार मांग नहीं करता है कि एक बार खाने से पेट भर जाता है, है? बार बार इच्छा होती है। तो ईश्वर का ज्ञान है, वो ईश्वर का ज्ञान मीठा होता है या नमकीन होता है? ईश्वर का ज्ञान तो मीठा ही होता है, परंतु जिस मुकर्रर रथ में ईश्वर प्रवेश करते प्रत्यक्ष होता है उसके द्वारा जो ज्ञान निकलता है वो सिर्फ मीठा ही होता है या मुख को नमकीन भी करता है, है? जो मीठी मीठी आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं हैं, 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, सारी मनुष्य शक्ति की बाप स्वरूप आत्माएं हैं, उनको मीठा लगता है और बाकी जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होती हैं उनको वो फरुखाबाद के मुकर्रर रथ से निकला हुआ ज्ञान मीठा ही लगता है या नमकीन मुंह कर देता है, है? नमकीन मुंह हो जाता है। तो ये लाहौरी नमक हद में भी है और बेहद में भी है। और नमक का दाम है, नमक का दाम चीप है, वो समुद्री नमक का दाम सस्ता है या लाहौरी नमक सस्ता है, है? लाहौरी नमक सस्ता है, सागर का नमक सस्ता है, लाहौर का जो नमक है वो सस्ता नहीं है। जो असली नमक है वो सन्मुख मिलता है या इनडायरेक्ट भी मिलता है, वो सन्मुख मिलता है, सबको मिल जाता है, सबको नसीब है, या जो तन मन धन से बाप के बनते हैं उनको ही नसीब है। तो सस्ता है या कास्टली है? कास्टली है। और माताएं कभी भी वानप्रस्थ की नहीं बनी है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? माता धरणी है या आकाश है? है धरणी है। आकाश ऊंचा है या धरणी ऊंची है? आकाश ऊंची स्टेज वाला है, धरणी नीची स्टेज वाली है। जो है ही ऊंची स्टेज वाला उसको वाणी से परे जाने में सुविधा है, या जो नीची स्टेज वाला है उसको वाणी से परे जाने में सुविधा होगी? ये पांच तत्व हैं,
उन पांच तत्वों में आकाश को ऊंची स्टेज वाला मानते हैं, वो बाप है, पुरुष बाप बनते हैं या स्त्री कहा जाता है, बाप है, इसलिए जो बाप है वो बीज है, बीज बीज रूप स्टेज में टिकता है या धरणी बीज रूप स्टेज में टिकती है या बीज को धारण करती है, बीज को धारण करती है, इसलिए बोला कि जो माताएं हैं वो वाणी से परे नहीं जा सकते, वाचा में आने की आदत तो हो जाती है और पुरुष जल्दी ही बीज रूप स्टेज में जा सकते हैं। माता और पिता का कनेक्शन जो हिसाब बनता है माता और पिता, वो शरीर से बनता है या आत्मा से बनता है? शरीर के हिसाब से माता या पिता कहा जाता है या आत्म के हिसाब से कहा जाता है? देहभान है तो माता है, आत्मा अभिमान है तो पिता है। आत्मा ऊंची स्टेज है और देह, देह माने मिट्टी, ये मिट्टी नीची स्टेज है, परंतु बाप, आत्माओं का बाप देह को पढ़ाते हैं या आत्मा को पढ़ाते हैं? इसलिए चाहे माता हो चाहे पिता हो, आत्मा तो दोनों है, तो क्या करना चाहिए? आत्मिक स्थिति में टिक के पढ़ना चाहिए या देहवान में रह करके पढ़ना चाहिए? आत्मिक स्टेज में रह करके पढ़ाई पढ़ेंगे तो हम भी बाप समान बनेंगे। किसी मुरली में ये नहीं कहा माता समान बनना है, पुरुषों को ही माँ बाप समान बनना है या माताओं को भी बाप समान बनना है, है? माताओं को भी बाप समान बनना है, क्योंकि माताएं भी अपन को आत्मा समझे और पुरुष भी अपन को आत्मा समझे। और बोलो बोलो, कहते हैं ना श्री नाथ जगन्नाथ नाथ माने क्या है बाबा? श्री कहते हैं श्रेष्ठ को, वो श्रेष्ठ का ही नाथ है, श्री नाथ। किसका नाथ? श्रेष्ठ का नाथ, और उसके मुकाबले दूसरा नाम है जगन्नाथ। सिर्फ श्रेष्ठ का नाथ नहीं है, सारे जगत का नाथ है। जो श्रीनाथ है वो पूरब में है या पश्चिम में है? पश्चिम में है श्रीनाथ यादगार, और पूरब में है जगन्नाथ, अर्थात एक की यादगार पश्चिम में बनी हुई है और एक की यादगार पूरब में बनी हुई है।
जो पश्चिमी सभ्यता है वो पश्चिमी सभ्यता गरीबों को और ही गरीब बनाने वाली है और पूर्वी सभ्यता जहां जगन्नाथ को दिखाया है वो रईसों का साहूकारों का नाथ है। यह सारी दुनिया में जो अरी गरीब हैं अमीर हैं देव आत्माएं हैं राक्षसी आत्माएं हैं सबका उद्धार करने वाला है। तो कहा तो जाता है श्रीनाथ जगन्नाथ लेकिन समझने के हिसाब से कौन श्रेष्ठ है? है जगन्नाथ ही श्रेष्ठ है। इसलिए शास्त्रों में जो चित्र और बने हुए हैं उन चित्रों में विष्णु को श्रीनाथ कहते हैं जो देवताओं का ही संरक्षण करता है असुरों को तरजीह नहीं देता है बढ़ावा नहीं देता है। और शंकर जी असुरों को भी वरदान देते हैं तो देवताओं को भी वरदान देते हैं उनकी दृष्टि में ऊंच नीच नहीं है। ऊंच को ऊंच बनाना ये बड़ी बात है या जो नीचे है नीचे है उसको महान बनाना बड़ी बात है। नीचे गिरे हुए को ऊपर उठाना बड़ी बात है। तो ये अंतर है श्रीनाथ जगन्नाथ का। श्रीनाथ के दरबारे में भोग तो 36 प्रकार के मिलते हैं असली घी के लेकिन जो ज्यादा पैसा देते हैं उनको मिलते हैं या गरीब को मिलते हैं साहूकारों को ही नसीब होता है गरीबों को नसीब नहीं होता है। और जगन्नाथ भंडारे में गरीब भी जाकर के खिचड़ी खाओ दाल चावल खाओ कढ़ी चावल खाओ और साहूकार हो वो भी जाके खाए वो भी भूख नहीं मर सकता है भले कितना ही अकाल पड़ जाए लेकिन जो जगन्नाथ के बच्चे हैं वो भूख नहीं मर सकते। और साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष तो 50 से ऊपर चले गए ना उसके बारे में। ये अव्यक्त वाणी का जो पॉइंट है वो अव्यक्त पार्ट जो बाप का पार्ट है और साकार पार्ट माता साकार होती है निराकार माता साकार होती तो ब्रह्मा का पार्ट जब तक जीवित रहे वो भगवान का कैसा पार्ट था? अरे साकार था या निराकार था? निराकार माना अव्यक्त पार्ट जो इन आंखों से नहीं देखा जाता वो अव्यक्त और जो आंखों से देखा जाए वो व्यक्त। तो ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट चला कितने साल चला है
90 सर। ब्रह्मा के द्वारा चला 33 साल और 33 साल के बाद भी शिव बाप ने निराकार ज्योति बिंदु ने साकार में प्रवेश करना बंद कर दिया या चालू ही रहा? बंद नहीं कर दिया। कोई न कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता रहा, भले किसी को पता नहीं चला। तो साकार पार्ट हुआ या नहीं हुआ? साकार पार्ट हुआ। तो 40 साल लगभग बताया, तब बोला व्यक्तवाणी में कि घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा किसी मनुष्य तन के द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएगा और अब भी हो रहा है। माना वो बाप प्रत्यक्ष हो रहा है कोई न कोई ब्रह्मा तन के द्वारा। तो कितने वर्ष हुए? 40 वर्ष हो गए ना। तो बोला 40 वर्ष साकार पार्ट और 10 वर्ष गुलजार दादी के द्वारा अव्यक्त पार्ट। जो ब्रह्मा पहले व्यक्त में था 33 वर्ष 68 तक, वो व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त हो गया। तो 10 साल अव्यक्त पार्ट, तो वो 10 और 40 मिला के कितने हुए हैं? 50 साल हो गए, इसलिए 50 साल बोला। और सच्चाई की राज बोला था 108 ही है। सच्चाई की राज, सच्चाई की राज बोला था 108 ही है। 9 लाख नहीं बनते, 9 लाख तो प्रजा है। प्रजा ईश्वर की राजयोग की पढ़ाई पढ़ती है या नहीं पढ़ती है? पढ़ती है कि संदेश लेके चले जाते हैं? तो कहाँ पढ़ा? प्रजा पढ़ाई नहीं पढ़ती है, सिर्फ संदेश लेती है। और पढ़ाई पढ़ने वाले, राजयोग सीखने वाले जो भगवान से राजयोग सीखते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 16108। तो नंबरवार कहेंगे कि बाप को पहचानने वाले हैं या नहीं? नंबरवार 16108 ही है जो बाप को पहचानने वाले हैं। है, यही राज है राजयोग का, कि राजयोग सब नहीं सीखते हैं। जो राज परिवार में आने वाले हैं, चाहे महाराजा बने चाहे महारानी बने, राजा बने या रानी बने, राज परिवार के बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने वाले बने, मंत्री बने, महामंत्री बने, सेनापति बने, या तो दास दासी बने,
या राज परिवार के चांडाल ही क्यों न बने, वो सबसे नीचा पद है राज परिवार में। लेकिन पढ़ाई तो पढ़ते हैं, तो जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो ईश्वर के राजयोग की पढ़ाई पढ़कर के नंबरवार राज को जानने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? जानने वाले तो बनते हैं। वो भी 16108 में आते हैं क्या? त्रेता के अंत में 16108 प्रिंस प्रिंसेस की संख्या पूरी होती है। माने त्रेता के अंत में 16000 वाला जो दाना होगा वो पिछले जन्मों में दास दासी बनता रहेगा। या चंडाल भी बन सकता है और अंतिम जन्म में नहीं, प्रिंस बन जाएगा थोड़े समय के लिए। सीढ़ी के चित्र में देखो, त्रेता की अंतिम सीढ़ी छोटी सी है या पूरी सीढ़ी है? राजाई कटी हुई है या पूरी राजाई है? कटी हुई राजाई है। तो लास्ट जन्म की थोड़ी सी प्राप्ति करेगा, फिर विनाश हो जाएगा। पढ़ाई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? पढ़ाई तो पढ़ेगा, भगवान से ही पढ़ेगा। लेकिन और जो 15999 मणके हैं उनके मुकाबले कम पढ़ाई पढ़ेगा या ज्यादा पढ़ेगा? है कम पढ़ेगा। इसका मतलब जब से भगवान की पढ़ाई पढ़ना शुरू किया, निश्चय बुद्धि बना, थोड़े समय निश्चय बुद्धि बनेगा और फिर लगातार जब तक ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाएगी तब तक, जब तक ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक विरोध करेगा या महिमा करेगा? विरोध करेगा। इसलिए ये हाल होता है। सदगुरु निंदक और न पावे, वो गुरु लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनके पास कौन सा ठौर है, कौन सा पद है सिवाय सन्यासी बनाने के, जंगल का रास्ता दिखाने के? ये यादगार कहां की है, कौन सा ठौर? सतयुग में जो राजाई का ठौर है वो राजाई का ठौर सतयुग त्रेता में वो आत्माएं जिन्होंने यहां ईश्वर की महिमा करने के बजाय ग्लानी की है, जितनी ज्यादा ग्लानी की है उतना उनका पद कम हो जाता है, ठौर नहीं पा सकती। विनाश के टाइम पर उनको विदेशियों के बीच में, विधर्मियों के बीच में रह करके ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी या भगवान के नजदीक रहेंगी? है वो ठौर नहीं पा सकती, उनको धक्के खाने पड़ेंगे। सचिव में औलाद प्रजा से शुरू होता है ना, वो सब शुरुआत 9 लाख प्रजा से नहीं होता है। अरे जब शुरुआत होगी तो एक ही पारिवारिक इकाई होगी या अनेक परिवार होंगे, तो वहां 9 लाख कहां से आ जाएंगे?
नौ लाख प्रजा तो बनती ही जाकर के है अंतिम वर्ष में, जब 100 वर्ष पूरा होता है संगम युग का। और चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका बेहद में अर्थ क्या है और हद में अर्थ क्या है। चैरिटी माने खैरात, दान धर्म। बिगिंस माने शुरू करो। दान धर्म शुरू करो कहां से? होम, घर से। हद में इसका अर्थ क्या हुआ? हद में इसका दैहिक परिवार से अर्थ लगेगा या अलौकिक परिवार से अर्थ लगेगा? है? कैसा अर्थ लगेगा? है? दैहिक परिवार से अर्थ लगता है चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात अपने जो लौकिक परिवार वाले हैं, देह के संबंधी हैं, वहां से खैरात शुरू करो। और बेहद में इसका अर्थ क्या होगा? है? बेहद में इसका अर्थ है, हम बेहद में कब से आते हैं? जब ज्ञान में आते हैं, ईश्वरीय ज्ञान को समझते हैं, बाप को पहचानते हैं, तब बेहद की दुनिया शुरू होती है या उससे पहले? ज्ञान में आने के बाद हम बेहद की दुनिया में आते हैं। तो जब ज्ञान में आ गए, बाप ने हमें बता दिया तुम आत्मा हो, तुम्हारा रूहानी परिवार है, तो रूहानी परिवार के जो भांति ब्राह्मण हैं, वो बेहद का परिवार है ब्राह्मणों का। वहां से दान धर्म की शुरुआत करें या देह के जो संबंधी हैं वहां से शुरुआत करें? है? ब्राह्मण परिवार के जो भांति हैं, भले बेसिक में हो या एडवांस में हो, बेसिक वालों की भी सेवा करनी है, वो बहुत गरीब हैं। जो बाप को नहीं पहचानते हैं उनको बाप की पहचान देवे, ज्ञान की पहचान माने बाप की पहचान देवे, उनमें भी फिर नंबरवार बेहद के हैं और नंबरवार हद की दुनिया के भी कहे जाते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में 100% बेहद के ब्राह्मण कौन हैं? जिनके लिए ये बात लागू होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम है। सूर्यवंशियों में भी प्रजावर्ग के नहीं होंगे क्या? है? प्रजावर्ग के होंगे तो उनसे चैरिटी बिगिंस होम करना है, या जो राजवर्ग के हैं उनसे चैरिटी बिगिंस एट होम करना है? दान देना है तो किसको देना है? नीच को देना है या ऊंच को देना है? किसके हाथ में देना है? चैरिटी बिगिंस एट होम,
होम माना घर परिवार, तो इस दुनिया में बाप के घर के पहले पहलौटी के बच्चे कौन हैं? है पहलौटी के बच्चे जो पहले पहले ब्राह्मण जन्म लेते हैं। अरे सूर्यवंशियों में कोई पहले पहले जन्म लेते हैं या नहीं लेते हैं? कौन हैं और कितने हैं? आठ हैं। तो यहां से चैरिटी बिगिंस एट होम। परंतु पहचानेंगे तब उस होम को सेवा करेंगे या बिना पहचाने करेंगे? है पहले पहचानना पड़े। तो नई दुनिया जो आने वाली है उसमें बाप के पहले पहलौटी के घर के बच्चे कितने हैं? आठ हैं। वो आठ के लिए ये पहले पहले बात साबित होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी माने दान। दान किसको दिया जाता है? गरीबों को दिया जाता है या साहूकारों को दिया जाता है? बाप आते हैं तो गरीबों को पहले देते हैं या साहूकारों को पहले देते हैं? तो जो आठ होंगे उनमें गरीबों की संख्या ज्यादा होगी या साहूकारों की संख्या ज्यादा होगी? गरीबों की ही संख्या ज्यादा होगी। सबसे जास्ती गरीब कौन होते हैं? पुरुष होते हैं या माताएं होती हैं? पुरुष जास्ती गरीब होते हैं कि सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस पुरुष बनाते हैं, स्त्रियों के हिस्से का भी अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। कौन जास्ती गरीब होते हैं? माताएं कन्याएं ही जास्ती गरीब होती है। उनमें भी कन्याएं जास्ती गरीब होती है या माताएं जास्ती गरीब होती है? कन्याएं जास्ती गरीब होती है। इसका मतलब है कि आठ की गिनती में, अष्टदेवों की गिनती में ज्यादा तादाद कन्याओं की होगी, अधर कुमारों की होगी, अधर कुमारियों की होगी या माताओं की होगी? जरूर अष्टदेवों में कन्याओं की तादाद ज्यादा होगी। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे जास्ती सहयोग किसको करना है? जिनको बाप ने गरीब समझा है, बाप जिनको सहयोग करता है, हम भी उनको जास्ती सहयोग दें। सारी दुनिया उनको ठुकराती है और हम बाप के बच्चे क्या करें? है बाप को फॉलो करें। लौकिक परिवार वाले ठुकराते हैं कि नहीं? है जो ज्ञान में चलते हैं तो लौकिक परिवार वाले भी ठुकराते हैं, गांव वाले भी ठुकराते हैं और बेसिक ज्ञान में चलने वाले ठुकराते हैं या नहीं ठुकराते हैं? वो भी ठुकराते हैं। और एडवांस ज्ञान में जो चल रहे हैं, उस एडवांस ज्ञान में भी
नौ दस ग्रुप हो जाते हैं। ब्राह्मणों की नौ कुरियां हो जाती हैं। जो मुरली में बोला है चंद्रवंशी चंद्रवंशियों को सहयोग करेंगे मिल जावेंगे, सलामी है वो किसको सहयोग करेंगे? जो बेसिक में इस्लामी है उनको सहयोग करने लग पड़ेंगे। बौद्ध है वो बेसिक के आधारभूत बौद्धियों को सहयोग करने लग पड़ेंगे। ऐसे ही जो जिस धर्म के हैं वो उसी में जाके मिल जाएंगे। तो अकेला कौन रह गया है? कौन अकेला रह गया जिनको बाप के सिवाय दूसरा कोई आधार नहीं रहता? वो सूर्यवंशी आठ हैं जिनकी ऐसी सख्त परीक्षा होती है। एक बाप दूसरा न कोई, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं छोड़ना। सूर्यवंशी बाबा आठ होते हैं और नहीं होते? आठ तो 100% सूर्यवंशी हैं, बाकी नंबरवार हैं। तैतीस % मार्क्स से पास होते हैं तो पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं? पास होने वाले हैं। और 33% से कम मार्क्स लेते हैं तो फेल है, सूर्यवंशी नहीं है। मंदिर बनाने से मंदिर लायक नहीं बनते हैं, ये बात मुरली में है क्या कि जो मंदिर बनाते हैं वो मंदिर लायक नहीं बनते हैं? बनाने से नहीं बनते हैं, सिर्फ मंदिर बनाने से कोई मंदिर लायक बन जावेंगे क्या? चाहे वो दुनिया का हद का मंदिर हो और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद का मंदिर हो। बेहद का मंदिर कौन सा होता है? हैं? सेंटर्स कहो, मिनी मधुबन कहो, ये बेहद के मंदिर हैं। लेकिन मंदिर बनाने मात्र से कोई मंदिर लायक देवता नहीं बनता है। कब बनता है? है? जब धारणा करे। ऐसे बहुत होते हैं कि पैसा खर्च कर देंगे, प्रॉपर्टी लगाए देंगे, मिनी मधुवन खड़ा कर देंगे लेकिन खुद पवित्र रहने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पवित्र रहने की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो वो देवता बन जावेंगे क्या? नहीं बनेंगे। मुरली या वार्तालाप चलने के समय कोई स्थूल काम कर सकते हैं क्या? स्वेटर बुनना है, स्वेटर बुन सकते हैं क्या? या सब्जी काटना तोड़ना है, कर सकते हैं क्या? फटा हुआ कपड़ा सिल सकते हैं क्या? बोलो भाई, है?
मुरली चलते समय या वार्तालाप चलते समय कोई स्थूल काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? बाबा ने तो कहा कम कार्डे दिलियाड़े है, सुनते रहे तो बुद्धि एकाग्र कर, सुने तो अच्छा। वो याद की बात है, क्या याद करना है तो कर्मेंद्रियों से काम कर सकते हैं, याद की बात है। लेकिन जब सन्मुख बाप के सामने मुरली सुनते हैं तो मुरली फर्स्ट क्लास मुरली तब ही है जब मुरली के अलावा और कोई काम न करें, और कोई काम करते रहेंगे तो उस काम में बुद्धि चली जाएगी। तो टीचर की ओर से, टीचर की बातों की ओर से बुद्धि हटेगी या नहीं हटेगी? हट जाएगी। तो टीचर का मान हुआ या अपमान हुआ? अपमान हो जाता है। इसलिए मुरली में डायरेक्शन दिया हुआ है कि जब मुरली सुनते हैं तो और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास मुरली की बात है या सेकंड क्लास मुरली की बात है या थर्ड क्लास मुरली की भी बात है? हैं? फर्स्ट क्लास की तो पहले है क्योंकि बाप सन्मुख बैठा हुआ है, और सेकंड क्लास जो मुरली होती है उसमें भी बाप तो सन्मुख नहीं होता है, लेकिन बाप का चित्र सन्मुख होता है, बाप की वाणी भी होती है और बाप के हलन चलन इंद्रियों की वो भी दिखाई पड़ती है, और दृष्टि का वाइब्रेशन भी जड़त्व रूप में जरूर दिखाई पड़ता है। भक्ति मार्ग में 63 जन्म जड़ चित्रों के सामने रह करके श्रेष्ठता अनुभव की है या नीचे वाइब्रेशन अनुभव किए हैं? तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी श्रेष्ठता अनुभव करनी चाहिए, महत्व तो देना चाहिए।